यस सर। ओके तो चलिए बच्चों साइंस का टेस्ट पेपर सोल्यूशन देखेंगे पहला पेपर है अपने पास ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर नंबर फाइव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ठीक है elements, five, ही ना पहला क्वेश्चन हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन अ ग्रुप नीचे जाने पर वैलेंसी कैसे बदलती है बताइए हाउ डज द वैलेंसी वेरिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग

लेट टोटल तो फोर्टी है ना हाँ टोटल फोर्टी नहीं एक लेंथ नाइट सीरीज और एक्टे सीरीज है दो सीरीज हैं एक लेंथ सीरीज अलग है एक्टे सीरीज अलग 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 है तो दो ऑप्शन हैं फोर्टीन सिक्सटीन फिफ्टीन फिफ्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन बोलो क्या होगा आंसर आपने फोर्टीन सिक्सटीन किया आपने फोर्टीन बेटा गलत है आंसर लिखो फिफ्टीन फिफ्टीन लेट सीरीज जो होती है वो शुरुआत होती है एलिमेंट विद नंबर टू 71 आर कॉल्ड लेंथेनाइड सीरीज एंड एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर एट्टी नाइन टू वन हंड्रेड थ्री आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज ठीक है फिफ्टी सेवन टू सेवेंटी वन आर कॉल्ड एंड 89 टू 103 हंड्रेड थ्री आर कॉल्ड एक्टिनाइड सीरीज तो दोनों में 15 15 एलिमेंट है चलिए तो इसका आंसर है 15 15 इज द करेक्ट आंसर इसमें भी आपके गलत हुए जीरो मिला इसमें भी आपको जीरो मिला चलो अगला क्वेश्चन आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टेबल नेम द फैमिली ऑफ एच ए सी भैया एच एच ई है ना एच फैमिली का नाम लिखना है आपको ए फैमिली का नाम लिखना है सी फैमिली का नाम ले नेम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ हां चलिए बताना है आपको कि फैमिली का नाम बताना है फैमिली ऑफ एच ए सी वन टू थ्री फोर हाँ एच ए सी एलिमेंट है इसकी फैमिली का नाम बताओ अल्कली alkali है अल्कलाइन अर्थ है हेलोजन है या नोबल है अल्कली मेटल्स अल्कली मेटल्स क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में है तो अल्कली मेटल्स ही आएगा इसका आंसर चलिए देखते हैं बिल्कुल सही बच्चों अल्कली मेटल पढ़ो अक्षत एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ ग्रुप वन आर कॉल्ड एल्ली मेटल्स इलेक्ट्रॉन इन देर आउटर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड लास्ट एलिमेंट थर्ड पीरियड के लास्ट एलिमेंट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आठ तीन सात पांच एट एट कहना है आपका चलिए देखते हैं भाई लास्ट एलिमेंट तो सब में एट होते हैं चाहे किसी का भी हो पढ़ो एक्सप्लेनेशन बेटा एक्सप्लेनेशन द एलिमेंट इन द लास्ट ऑफ द थर्ड पीरियड इज अ नोबल गैस दैट इज इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट सो इट हैज इट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एग्जैक्टली तो बेटा इसमें आठ इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे गुड नेक्स्ट क्वेश्चन एन एलिमेंट फॉर्म्स अ क्लोरी क्लोराइड विद द फॉर्मूला एक्स सी एल टू बनाता है विच इज़ ए सॉलिड वाइट कलर मेल्टिंग पॉइंट विच इज़ ए सॉलिड विच इज़ ए सॉलिड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एक्स वुड मोस्टली लाइकली टू बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियडिक टेबल एज एम जी एल एस आई एन ए बताइए एक्स जो होगा वो सेम ग्रुप में है किसके साथ सेम ग्रुप में होगा एम जी एल सी आई एन ए एस आई एन ए किसके साथ होगा एम जी बिल्कुल सही है भैया क्योंकि देखो एक्स सी एल टू है मतलब यदि आयनाइज करोगे तो एक्स की वैलेंसी प्लस टू जाएगी और दो क्लोरीन की माइनस वन मतलब ये क्या है डाई पॉजिटिव दो वैलेंसी वाला प्लस टू ग्रुप तो प्लस टू ग्रुप सेकेंड ग्रुप होगा तो करेक्ट आंसर वुड बी एम जी बढ़िया अक्षत

सेवन एटॉमिक नंबर ए नाइन बी पंद्रह सी या अठारह डी कौन केमिकली सिमिलर है दो क्या दो दो बताओ जो केमिकली सिमिलर है सर ए और सी हो सकते हैं ए और सी बिल्कुल हो सकते हैं भाई yes और sir. फिर और नाइन नाइन प्लस टेन तो एक ही ए और सी मिल रहे हैं, हाँ। हैं। चलिए देखते yes हैं।, हैं बिल्कुल सही भाई इलेक्ट्रॉनिक कंफिगुरेशन ए का है टू कॉमा फाइव और सी का है टू एट फाइव मतलब आउटर में कितने -कितने है? पाँच, पाँच। yes और yes इसी से कैरेक्टर डिसाइड होता है भैया है ना इसलिए ए yes और सी की जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो सिमिलर होंगी क्योंकि दोनों के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पांच जो कि सिमिलर हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड होती है डन बना बच्चों यस और बोलो नो बोलो यस सर चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 गिव द नेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेकंड अल्кали मेटल हाँ भाई नाम बता दो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बता दो बेहद घटिया क्वेश्चन सेकंड अल्кали मेटल कौन one. सा है सोडियम सोडियम और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलो 281 281 बिल्कुल सही तो इसका करेक्ट आंसर है भाई नाम है सोडियम और इसका एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होता है तो इसकी वैलेंसी भी वन है ठीक ना वैलेंसी yes, पूछी sir. गई है क्या नहीं पूछी गई कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यहीं तक सही आंसर आपका आ जाएगा है ना वैलेंसी पूछी जाए तो ये भी लिख सकते हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो बताओ भाई दोनों के ऑक्टेट uh, uh, कम्प्लीट है मतलब बैलेंस उनकी मतलब मतलब न्यू नोबल है दोन, दोनों नोबल दोनों नोबल है दोनों के दोनों आउटर मोस्ट ऑर्बिटर मोस्ट फील्ड है क्या है फील्डल्ड है ठीक है ना तो आंसर है बोथ है वैलेंसी जीरो एंड आर इन द सेम ग्रुप सो दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉट रिएक्टिंग विद एलिमेंट दोनों की रिएक्टिविटी जीरो होती है ओके और दोनों की वैलेंसी जीरो है है ना hmm. क्योंकि इनके वेलेंशियल फील्ड हैं है ना और सेम ग्रुप yes में हैं और केमिकल रिएक्टिविटी इनकी बिल्कुल खत्म होती है नहीं होती चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए

The vertical column in the periodic table are known as groups, while the horizontal rows are known as periods. The long form of the periodic table has seven periods and eighteen groups. Exactly, beta. Seven periods and eighteen groups. Next question, In the in the modern periodic table, calcium having atomic number twenty is surrounded by elements with atomic number twelve.

क्योंकि ऊपर आठ माइनस करोगे तो बारह आ जाएगा और नीचे अठारह प्लस करोगे तो थर्टी एट आ जाएगा यस yes, सर बिल्कुल है ना ऊपर आठ माइनस करोगे तो बारह आ जाएगा और नेक्स्ट थर्ड पीरियड में जाओगे तो अठारह एड करोगे तो थर्टी एट आ जाएगा मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन बारह में और थर्टी एट में क्या होंगे सेम होंगे यस yes, सर पढ़ो बेटा टेंथ एलिमेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप हैविंग सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट विथ एटोमिक नंबर ट्वेल्व एंड थर्टी एट लाई इन द सेम ग्रुप एज कैल्शियम दे आर फोर दे विल हैव प्रॉपर्टीबलिंग कैल्शियम एग्जैक्टली भाई एलिमेंट हैविंग ट्वेल्व एंड थर्टी एट लाई इन द सेम ग्रुप एज कैल्शियम क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर सेम होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए सोडियम, सोडियम, पोटेशियम पोटेशियम, ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर लिबरेट हाइड्रोजन गैस। एनी इन द ऑफ़ एलिमेंट्स? भाई, इनमें क्या, so, mm -hmm. क्या है बेटाइन so, है ना ये सब एल्ली alkali है, है और इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं वन वैलेंस हाँ और ये सारे के सारे फर्स्ट ग्रुप से हैं किस ग्रुप से फर्स्ट ग्रुप से इन फर्स्ट ग्रुप से हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी ऑब्वियसली चलो पढ़ो बेटा लिथियम सोडियम एंड लीथियम सोडियम एंड पोटेशियम ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अकलीज दट इज लीथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद एक्सेट्रा लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस आई प्लस नोट करो कॉपी में दिस इज इम्पॉर्टेंट अलकली बनने की रिएक्शन है ठीक है नोट करिएस सर मेटल नॉन मेटल में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो रिएक्शन होती है दो पार्ट में हुआ करती है सबसे पहले टू एन ए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एन ए टू ओ सॉरी ऐसे है ना और फिर ये एन ए टू ओ आगे पानी के साथ रिएक्ट करता है एन ए टू ओ किसके साथ रिएक्ट करता है पानी के साथ पानी के साथ तो ये बनाता है टू एन एच एच ठीक ना यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है हाँ तो ये एन तो अगर आप ऑक्सीजन के बाद पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा होगा टू एन एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा एन ए टू ओ यहाँ पे टू एन ए प्लस ओ टू दैट इज इक्वल्स टू एन ए टू ओ नहीं यहाँ तो बैलेंस नहीं हो रही है एन ए टू एन एच बन गई नहीं बच्चों आप डायरेक्टली एल्कलाई बनने की रिएक्शन लिखे क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो रही है ठीक है डायरेक्टली एल्कली की रिएक्शन लिखी देखिए टू एन ए प्लस टू एच टू इक्वल टू टू एन ओ एच प्लस एच टू ये जो ब्लास्ट हुआ करता है वो हाइड्रोजन गैस निकालने की वजह से होता है बच्चों जो ब्लास्ट होता है उसका बनने का कारण ये है हाइड्रोजन गैस समझ में आया यस yes, सर वो जो ब्लास्टिंग गैस होती yes. है दैट इज़ हाइड्रोजन गैस कहते हैं ना कि सोडियम को खुली हवा में मत रखो वो हाइड्रोजन गैस की वजह से है समझ में आया यस सर ऑल दीज मेटल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल पहले ही बता दी ये बात तो चलिए अगला क्वेश्चन करिए नेम द नेम टू एलिमेंट्स यू वुड एक्सपेक्ट टू शो सेम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी एज मैग्नीशियम व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर चॉइस बताओ भाई दो एलिमेंट बताओ जिनकी केमिकल रिएक्टिविटी बेरिलियम 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 मैं भी डमांगे कैल्शियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम ठीक है बस दो पूछे हैं तो बेरिलियम कैल्शियम yes, रीजन बता दो भाई सर बिकॉज दे आर इन द सेम ग्रुप दैट इज ग्रुप नंबर टू दे आर हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड दे आर बोथ दे बोथ आर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बिल्कुल सही तो आपने मैग्नीशियम बेरिलियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम ये सारे एक ही ग्रुप के हैं चलो पढ़ो बेटा मैग्नीशियम Magnesium belongs to group number 2 known as alkaline earth family. The two other elements belonging to the same group are calcium and strontium. The basis of choice is the electron distribution in the valence shell of these elements. All of, all of them have two electrons each. Hmm. For example, Mg, uh, that is having atomic number 12, has two, atom, two electrons in K shell, eight in uh, L shell, and two electrons in M shell.

ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए भाई एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 16 राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंसी हम्म 16 एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ भाई बहुत सिंपल है 2 8 6 यस yes, 2 8 6, है ना फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 वैलेंसी बोलो दो यस सर पढ़ो बेटा सिंस एटॉमिक नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट इज 16 हेंस द एलिमेंट इज सल्फर इट इज स्केप्ड इन ग्रुप 6 ए और ग्रुप 16 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 2 8 6 नंबर ऑफ वैलेंस शेल इन सल्फर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर आर 6 प्रेजेंट इन एम शेल इट्स वैलेंसी इज 2 एज़ इट रिक्वायर्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस समझ में आ गया यस सर क्लियर है सर सही क्वेश्चन था बोलो बेटा सर जैसे अपन कहते हैं कि किसी भी शेल की इलेक्ट्रॉनिक कंटेनिंग कैपेसिटी जो होती है वो टू 2n2 के फॉर्मूले पे बेस्ड होती है हाँ 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 तो सर अब जैसे अपन ने देखा कि फर्स्ट शेल भर गई के शेल के शेल भर गई 28 हो गई एट हो गई तुम ये कहोगे कि 6 है तो पहुंचना तो 18 चाहिए हां सर तो उसको अठारह से, से रुक जाती है? हाँ देखो एक होता है एक होता है वैलेंसी क्राइटेरिया एक होता है फिलिंग क्राइटेरिया समझ गए ना हाँ तो जो वैलेंसी क्राइटेरिया जो होता है जिसको स्टेबिलिटी से जोड़ते हैं वो होता है टू एट एट, 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 एट एटीन एटीन थर्टी टू आया समझ सर, में हाँ क्लियर हो गया और जो फिलिंग क्राइटेरिया होता है वो होता है दो आठ अठारह और टू एन स्क्वायर तो चार का स्क्वायर सोलह बत्तीस ये होता है ठीक है सर yes, अब ये नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे कि ये वैलेंसी एट से ही क्यों रिलेट की जाती है hmm. ठीक है है ना इसका प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक हुआ करता है, उस Achha, से वैलेंसी तय होती है।, है।, है ये सब इससे नहीं है फिलिंग क्राइटेरिया टू एट एट एन एटीन थर्टी टू क्राइटेरिया है तो समझ गए

कुछ भी नाम hmm. से दे सकता है वेरी गुड क्वेश्चन पांच मार्क्स का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बताओ भाई कोई पांच पॉइंट बता दो कि क्यों इसको टेबल को अच्छा माना गया बच्चा लो पढ़ो। और मॉडर्न पीरियड टेबल मतलब नई वाली पढ़ो बेटा लॉन्ग फॉर्म लॉन्ग ऑफ पीरियोडिक रीजन ठीक फर्स्ट इट इज बेस्ड अपॉन एटोमिक नंबर विच इज कंसिडर्ड बेटर एटोमिक मास बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटोमिक नंबर ठीक है बिकॉज जो प्रॉपर्टी एटॉमिक मास से रिलेटेड नहीं है एक्चुअली केमिकल प्रॉपर्टी का जो निर्धारण होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आते हैं वो एटोमिक नंबर से बेटर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इट एक्सप्लेन वाई द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज बट मेंसप्लेनेशन फॉर द सेम इट एक्सप्लेन वाई द एलिमेंट्स प्लेन इन ए ग्रुप भाई इन्होंने जो ग्रुप बताए थे उसका रीज़न तक बताया कि इसकी प्रॉपर्टी सेम क्यों होगी मेडलिम ने बोला था सेम होगी बट क्यों होगी उसका रीज़न नहीं दिया था ठीक है ना मगर इन्होंने बताया कि भैया देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इस वजह से सेम होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होता है केमिकल प्रॉपर्टी के लिए थर्ड पॉइंट

There is no confusion regarding the position of isotopes because all the isotopes of an element have the same atomic number. Theek. The the periodic table is more systematic than the Mendeleev's table and is easy to remember. Sahi baat hai. In Mendeleev's in Mendeleev's periodic table, transition elements included with the other elements. In modern periodic table, transition elements placed in separate block. Theek. Next question, question number fifteen. Habita

सी का है फोर्टीन डी का है नाइनटीन ई e का है ट्वेंटी ठीक ना तो हम अपनी हेल्प yes, के लिए पहले ही लिख सकते हैं भाई ए क्या है लिथियम है सॉरी uh, बेरीलियम yes, है ए क्या है बेरीलियम है है ना और बी क्या है बच्चों यानी है बी yes, क्या है फ्लोरिन सी मतलब चौदह यानी सी क्या है बेटा सिलिकॉन है सी क्या है सिलिकॉन सिलिकॉन और डी नाइनटीन यानी क्या होगा नाइनटीन किसका होता है पोटेशियम का है ना यानी डी है पोटेशियम और ई क्या है हाँ, भाई है ट्वेंटी यानी कैल्शियम ई है yes कैल्शियम। अब इसको e. पोटेशियम में होता है electron, ना हाँ, मुझे हाँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो भैया के का लिख दो के का 19 होता है सी मतलब जो अपने पास पोटेशियम है

है ना ए और ई yes, e, दोनों एक e ही e e ग्रुप के होते हैं क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है पढ़ो बेटा A4 A4 ए फोर एंड ई ट्वेंटी बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप एज दे हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ए इज बेरिलियम सिंबल बी ई एंड ई इज कैल्शियम सिंबल सी ए बोथ बिलोंग टू द ग्रुप सेकंड ए इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ए टू कॉमा एट कॉमा बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पॉइंट पढ़िए Which two elements amongst these belong to the same period? Which one of the two has bigger atomic radius? चलो बताओ भाई दो दोनों में सेम सेम ग्रुप में कौन बैठा होगा तो सिलिकॉन और कैल्शियम जो होते हैं है ना C और E जो होते हैं वो सेम ग्रुप में बैठते हैं क्यों भाई है ना पीरियड पूछ रहा ना वो सेम पीरियड में हाँ मैं पीरियड ही बता रहा था सॉरी पीरियड में चीज़ क्योंकि सिलिकॉन का होता है 14 और इसका पोटेशियम का कितना होता है सॉरी <गड़ी> कैल्शियम का कितना होता है 20 यस yes, सर है ना नहीं नहीं कैल्शियम थर्ड में चला गया सॉरी बेटा गलत हो गया है ना 20 चला गया थर्ड में बताओ और कौन होगा भाई तो बेरिलियम के साथ सिलिकॉन सूट करेगा क्या यस yes, सर बेरिलियम के हां करेगा हम्म नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सर एमजी के साथ करेगा बेरिलियम को? के साथ फ्लोरीन सूट करेगा बेटा देख लो हाँ करेगा ना के साथ हाँ तो ए और बी ए और बी हाँ बिल्कुल सही है बेरिलियम का चार होता है है ना चार के बाद नौ इसी एसी में तो आएगा उसी क्या में पीरियड में एक ही पीरियड में तो आएगा यस तो आंसर क्या होगा बच्चों ए फोर एंड बी पढ़ो बेटा A and B, A4 and B9 belongs to the same period and A4 has bigger radius than B9. Also the elements D19 and E20 belong to the same period and D19 has bigger radius than E20. हाँ सही बात है भाई पोटेशियम के बगल में ही तो कैल्शियम बैठता है देखना भूल गए D19 yes, मतलब पोटेशियम उसके जस्ट बगल में तो कैल्शियम बैठता है ना यस सर भाई सोडियम के नीचे पोटेशियम <laughs> so, लग... और मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम तो ये सेम ग्रुप में yes, sir. है सर और साइज की बात की yes, जाए बेटा तो साइज में जो है इसका जो रेडियस होगा आगे जाने पर क्या होता जाता है छोटा है ना यस yes, सर तो इधर इधर लेफ्ट टू राइट में साइज छोटा होता है तो इधर ए फोर बड़ा होगा यानी इन रेडियस ए फोर ग्रेटर देन बी नाइन एंड हियर व्हाट डी नाइनटीन ग्रेटर देन ई ट्वेंटी डन यस सर चलिए तो ये टेस्ट पेपर हुआ डन बच्चों अच्छे से एक बार इस पेपर को ऑन रिटर्न करके सभी लोग मेरे को भेजिए ग्रुप में पूरा पेपर लिख करके क्योंकि लिखने की एबिलिटी नंबर पाने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोलने